नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज में। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से KGF चैप्टर 2 के बारे में। इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में ओवरसीज मार्केट में पोस्ट पेंडेमिक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। टॉप 5 फिल्मों का नाम लूंगा और एक के बाद एक कैसे इसने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं वो बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आपको जानने को मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जहां दोस्तों वीडियो से मैं तो फिलहाल आपको आवाज सुनाई देती होगी, लेकिन आवाज नहीं आपको मैं भी दिखाई दूंगा और विद टॉपिक। अब यहां पे टॉप 5th नंबर पे फिल्म आती है द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म वाकई में एक अजूबा है। ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 5.6 मिलियन की लाइफ टाइम कमाई की थी। 43.27 करोड़ का कलेक्शन इसने ओवरसीज मार्केट से सिर्फ किया था। फिफ्थ नंबर पर ये फिल्म आती है। फोर्थ नंबर पर फिल्म आती है गंगूबाई काठियावाड़ी। ओवरसीज मार्केट की बात हुई दोस्तों, हिंदी वर्जन की, इसने 7.47 मिलियन की कमाई की, यानी कि 57.72 करोड़, 57 करोड़ के ऊपर। थर्ड नंबर पर फिल्म आती है सूर्यवंशी, जिसने 8.3 मिलियन की कमाई की, यानी कि 64.13 करोड़, 64 करोड़ के ऊपर। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो फिल्म आती है वो है 83 मूवी, जिसने 65.74 करोड़ तक का कलेक्शंस किया था, यानी कि 8.5 मिलियन। अब नंबर वन पर कौन सी फिल्म आती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो फिल्म कोई और नहीं, वो है KGF चैप्टर 2। जी हाँ दोस्तों, KGF चैप्टर 2 जो है नंबर वन पर फिल्म आती है। और हिंदी वर्जन में अकेले अगर बात करें तो इस फिल्म ने जो कमाई की है 9 मिलियन प्लस, दैट टू इन 22 डेज, और इसका कलेक्शन हुआ है 69.60 करोड़। इस फिल्म ने सभी की बैंड बजा दी है ओवरसीज मार्केट में। और टॉप 5 फिल्में जो पोस्ट पेंडेमिक की अगर बात करें या सीधे सीधे कहा जाए 2022 की बात करें तो उसमें ये नजर आती है 21-22 से तो ये नजर आती है नंबर वन पोजीशन पे 69.60 करोड़। तो कितने खुशी जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।